हालेलुया सबको, जामसी की मैं आशा करती कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं जो हमें पोस्टर अंकुर यूसुफ नूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी के द्वारा दिया जाता। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएँ। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थ्य खुदा, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इस वचन के लिए पिता तेरा थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरे दास और दासी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जब ये वचन हम पढ़े पिता, हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लोगों को तेरे लहू में कवर करते हैं। दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन क्या आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। अब मैं उपदेशक स्वर्ग के राजा को सहारूंगा और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। दानियल 4:37। मेरे प्रियो, याद रखें कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो फिर आप मुसीबत में हैं। अनुग्रह मतलब चाहे आप आशीषित हो या आप आशीषित नहीं हो, अगर परमेश्वर की कृपा उसका अनदेखा हाथ आपके जीवन में है तो बाइबल में लिखा है कि आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को पाएंगे। मेरे प्रियो, आज आपके पास जितनी भी आशीष है वो इसलिए है क्योंकि आप उसी के काबिल हैं। परमेश्वर आपकी क्षमता को से ज़्यादा कुछ नहीं देता क्योंकि आप उसे संभाल नहीं सकते। परमेश्वर के कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें नई आशीष तब तक नहीं दे सकता जब तक कि तुम खुद अपने जीवन को नया ना कर लो, अपने आप को ग्रहण करने के योग्य ना बना लो। आज अगर परमेश्वर की कृपा उसका अनुग्रह आपके ऊपर नहीं है तो जब आप बीजा लेने जाएंगे तो आप गलत एजेंट के पास चले जाएंगे। आप जब चर्च के लिए जगह ढूंढने जाएंगे तो आप गलत जगह चले जाएंगे। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप गलत डॉक्टर के पास चले जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है तो आपके जीवन में सब कुछ सही होगा। मेरे प्रिय, याद रखे परमेश्वर ने कहा कि जब तुम्हें मेरी पहचान बढ़ेगी तो मेरा अनुग्रह भी तुम्हें बढ़ेगा। रिश्ता होना तो अब आपके हाथ में है, पर जो भविष्य में अच्छा साथी हो या ना हो ये आपका हाथ में नहीं है। माइकल जैक्सन के साथ 24 घंटे 12 डॉक्टर रहते थे। दिन रात उसकी सेहत की जाँच पड़ताल होती थी। अगर उसकी किडनी खराब हो जाए तो पहले से ही उसको किडनी देने के लिए किडनी दान करने वाले तैयार रहते थे, लेकिन क्या फिर भी वो उसको बचा पाए नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ परमेश्वर के हाथ में है। मेरे प्रियो, जब हम नबूकदनेस्सर राजा के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो एक ऐसा राजा था जिसने अपने पद का घमंड किया और उसके बाद वो जमीन पर आ गया, पागल हुआ, घास चरने लग गया। और अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़े तो लिखा है कि किसी ने भी उसके खिलाफ उठकर राजा बनने की कोशिश नहीं की, यानी कि कोई भी उसके खिलाफ खड़े नहीं हुआ चाहे वो पागल हो चुका था। क्योंकि उस समय के लोगों को लगता था कि यह देखने के लिए कि कौन मेरे साथ खड़ा है यह ड्रामा कर रहा है। मेरे प्रिय, याद रखे जब परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में होती है तो सब कुछ सीधा और सही चलता है, जहाँ तक कि आपकी चुनौतियाँ भी आपको सीधे रास्ते पर लेकर जाने के लिए और आपके मजबूत करने के लिए, आपको बड़े लोगों के सामने लेकर जाने के लिए होती हैं। इसलिए आपको परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। जब आप नबूकदनेस्सर की तरह आशीषित हैं तब भी, और जब आप अपनी आशीष का इंतज़ार कर रहे हो तब भी आपको परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। इसलिए मेरे प्रिय, अपने परमेश्वर के साथ सही चलो। जो कुछ भी आपको मिला है वो सब परमेश्वर की कृपा से मिला है, उसके लिए घमंड कभी मत करो। और जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको आशीष करेगा। आमीन। घोषणा, ये घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़े या सुने, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन पर आए, उनको चंगा और आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम है, आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। तेरे लहू में कवर करते हैं पिता जी, इस वचन को सुनते हैं पिता। तेरे बच्चों की आत्मिक आंखें खुली, तेरे पिता बच्चों की पिता एक एक पिता जी समझ वाली बुद्धि खुले मेरे सामर्थ्य खुदा। तेरा थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर पिता जी, ये वचन हमारी सब जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से चुराने ना पाए। आगे के समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाए कि आने वाली अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।